हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 से 4 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। PDF अवेलेबल है विद नोट्स, MCQ है, फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 4 दिनों का है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं? राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ओके, देखिए अभी कोरोना वायरस का दौर है और इस वक्त बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। 50-60 हज़ार लोग पर डे बीमार हो रहे हैं, कोरोना वायरस के चपेट में आ रहे हैं देश भर में। तो ऐसे में इन राज्यों ने ये फैसला किया कि प्रदूषण की वजह से, दरअसल उसका घातक असर होता है कोरोना का, तो प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों पर इस तरह से रोक लगा दी बिक्री की। ओके, तो राजस्थान की बात कर रहे थे तो उसकी बात कर लें। CM कौन है? चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल के कौन हैं? CM ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजूभाई वाला। ओके, तो मेरे बगल में आप न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हैं तो इसमें डिटेल दिया हुआ है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया? मतलब जो चाइनीज पटाखे हैं उसको खासतौर पर किया, बाकी पटाखों पर रोक नहीं है अब तक। आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में जो आयातित पटाखे हैं, जो चाइनीज़ पटाखे, उन पर ये रोक लगाई है और ये 3 नवंबर को निर्देश जारी किया गया है तमाम जिलों को हरियाणा सरकार के द्वारा। तो उनका कहना है सरकार का कि दीपावली को देखते हुए और जो पोल्यूशन है और कोरोना है उसको देखते हुए ये एक्शन लिया गया है। हरियाणा की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश की कैबिनेट में शामिल किया गया है? किस देश की सरकार की कैबिनेट में शामिल किया गया है? आंसर होगा न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री बनी है दोबारा जेसिंडा ऑर्डन। ओके, तो उन्होंने 2 नवंबर को प्रियंका राधाकृष्णन को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। मूल रूप से प्रियंका जो हैं वो केरल की निवासी हैं, जन्म हुआ तो वहाँ पर, और न्यूजीलैंड आने से पहले वो सिंगापुर में पढ़ी थी। ओके, और वो काफ़ी काम करती हैं वहाँ, सोशल वर्कर के रूप में भी वो जानी जाती हैं प्रियंका राधाकृष्णन। घरेलू हिंसा के शिकार जो महिलाएं हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन सब की आवाज़ उठाती हैं। और लेबर पार्टी की ओर से वो 2017 में सांसद बनी थी न्यूजीलैंड में। तो अब उनको मिनिस्ट्री भी दे दी गई है, उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। हालांकि 2019 में उनको मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज़ का पार्लियामेंट्री प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया था, लेकिन अब प्रोफाइल एक कैबिनेट मेंबर का हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 1000 छक्के यानी 6 लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर होगा क्रिस गेल। कहाँ के हैं वो? वेस्ट इंडीज़ के हैं। और अभी जो IPL चल रहा है उसमें किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, 1000वां छक्का लगाया। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया है 2020 में? आंसर होगा पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसकी सूची में इसको शामिल कर लिया है। ओके, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो उसका दर्जा केंद्र और राज्य सरकार भी देती है और यूनेस्को भी देती है। तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तो जो घोषित है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व देश में, भारत में, उसकी संख्या 18 है, जबकि यूनेस्को द्वारा जो घोषित है बायोस्फीयर रिजर्व तो उसकी संख्या 12 है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना आप। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 22वां बाघ अभयारण्य है। ओके, और वहाँ पर और भी बाघ के अलावा मगरमच्छ और अन्य जीवों की भी संख्या अच्छी खासी है। स्थापना 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर की गई थी
और 1994 में केंद्र सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और ये आप ध्यान रखना कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी संख्या है 18 भारत में, और यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत टोटल कितने बायोस्फीयर हैं भारत में यूनेस्को द्वारा जो प्रमाणित हैं, तो वो हैं 12। कौन कौन है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे बगल में आप देख भी रहे हैं। 2001 में दिया गया था यूनेस्को के द्वारा ये दर्जा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को, ये पश्चिम बंगाल में। 2009 में सिमलीपाल को दिया गया था, वो ओडिशा में है वो बायोस्फीयर रिजर्व। 2009 में पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है उसको मिला था। 2009 में ही नोकरेक ये बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में, तो उसको मिला था। 2000 में नीलगिरी को मिला था जो कि तमिलनाडु में है। 2004 में नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको दर्जा मिला था, उत्तराखंड में है। इसके बाद ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु की खाड़ी में, उसको मिला था। 2013 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो उसको मिला था। 2012 में अचन कमार जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, उसको मिला था। 2016 में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को मिला था जो केरल और तमिलनाडु दोनों का पार्ट है। 2018 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को मिला था, उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम जिले का जो हिस्सा है। और 2020 में अब पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिला है। देखिए, अक्सर इसको पूरा मैंने लिस्ट इसलिए बताया क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं तमाम एग्जामिनेशन चाहे कोई भी हो, उसमें ये जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं आजकल बहुत आने लगे हैं, और ये टाइगर रिजर्व और जो भी उद्यान है राष्ट्रीय, तो उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो पन्ना है वो मध्य प्रदेश में है, उसकी भी बात कर लें। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर आनंदी बेन पटेल अतिरिक्त प्रभार के तौर पर हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट फोर्स अवेलेबल है विद नोट्स है, एमसीक्यू है डिटेल में, जनवरी से अक्टूबर तक का, तो आप देख सकते हो मेरे बगल में देख रहे हो आप, तो वो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और 2019 का भी करंट फोर्स अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। आंसर होगा इसका 1 नवंबर। ओके, 1 नवंबर को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI शरद अरविंद बोबडे, तो उन्होंने 31 अक्टूबर 2020 को भारत के किस शहर में पहले ई रिसोर्स सेंटर यानी न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। आंसर होगा इसका नागपुर। ओके, मेरे बगल में न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ये जो रिसोर्स सेंटर है वो न्याय कौशल उसका नाम है, वो देश के सभी जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा देगा। वहीं से कोई भी अगर मामला याचिका दाखिल करनी है तो वहीं से हो जाया करेगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं से वो काम हो सकेगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020, उसमें किस दिवंगत अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आंसर होगा ओम पुरी। ओके, ये जो अवार्ड है वो उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया है, और आपको पता ही होगा कि ओम पुरी का निधन हुआ था 6 जनवरी 2017 को। ओके, तो ये फिल्म फेस्टिवल हुआ है अमेरिका में, अमेरिका का जो बोस्टन शहर है वहाँ पर आयोजित हुआ 16 से 18 अक्टूबर के दौरान। तो न्यूज़ धीरे धीरे आई है, और इसी दौरान भारतीय जो शेफ हैं विकास खन्ना, तो उनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा कांथी। ओके, ये मलयालम फिल्म है कांथी, और इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर अशोक आर नाथ वो हैं। कांथी जो है वो एक नेत्रहीन आदिवासी लड़की और उसकी माँ पर आधारित फिल्म है, और इसकी जो एक्टर हैं शैलजा पी अम्बू, तो उनको बेस्ट फीमेल एक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो बंगाल के विक्टर बनर्जी हैं उन्होंने जीता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है COVID-19 को देखते हुए? आंसर होगा बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, तो उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला लिया। इसके तहत क्या होगा कि बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और कोई भी काम नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का जो काम है वो कोई भी नहीं करवा सकेगा, मास्क होगा तभी करा सकेंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना तो अभी गया नहीं है, लेकिन मास्क जो लोग नहीं पहन रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सोरायसिस दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अक्टूबर। ओके, सोरायसिस जो है वो स्किन की बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ है स्किन से रिलेटेड, और स्किन पर पपड़ीदार एक पैच बन जाता है, और तो और इसको ऑटो इम्यून भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम गलती से शरीर पर ही हमला करने लगता है, उसको लगता है वो दुश्मन है कोई जगह, तो ये सोरायसिस नाम का एक ये दिक्कत हो जाती है स्किन पे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट डे है। और 2020 की थीम क्या है इससे रिलेटेड? इन्फॉर्म यानी अवगत रहना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, COVID-19 पर बनी बुक है बाय बाय कोरोना, तो उसका विमोचन हुआ है यानी लॉन्च किया गया है 29 अक्टूबर को, तो किसने किया? इसका आंसर होगा आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, तो उन्होंने ये किया है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है विज्ञान प्रसार, तो उसके द्वारा ये प्रकाशित पुस्तक है, बुक है, और इसे CSIR ड्रग सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ कि जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, तो उन्होंने इसे लिखा है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है, यूपी की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में कहेंगे इसे इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 2 नवंबर। ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिवस है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये जो है हुआ ये था कि 2 नवंबर 2013 को फ्रांस के दो रेडियो पत्रकार, उनको उनका अपहरण कर दिया गया था, उसका हत्या कर दी गई थी, तो जो पत्रकारों के खिलाफ जो हिंसक अपराध हैं उसको उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में किस देश से बिना लाइसेंस के 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला किया है? आंसर होगा भूटान। ओके, पड़ोसी देश है और मित्र देश है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक तरह से आलू पर आयात शुल्क भी घटा दिया गया है, 30% लगता है तो अब 10% कर दिया गया है। ओके, ताकि उसको एक तरह से सपोर्ट मिले, हालांकि भारत में आलू की कमी नहीं है। तो भूटान की बात हो रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोते शेरिंग। ओके, राजधानी थिम्पू है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आर दोराई इकनो, तो उनका निधन हो गया है COVID-19 की वजह से 31 अक्टूबर को। आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के थे वो, 72 ईयर के थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे कोरोना वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉन कॉर्नरी, तो उनका 31 अक्टूबर को निधन हो गया, तो किस पात्र के तौर पर एक्टिंग के लिए चर्चित थे? किस पात्र के लिए, किस पात्र के तौर पर क्या एक्टिंग करते थे वो? आंसर होगा जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड के तौर पर वो बहुत प्रसिद्ध थे और उन्होंने ब्रिटिश एजेंट के रूप में, जेम्स बॉन्ड के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल स्टारडम हासिल किया था, और उनको एजेंट 007 के रूप में याद किया जाता है। ओके, बहुत सारी फिल्में दी उन्होंने, और पहली बार उनको ऑस्कर भी मिला था द अनटचेबल्स के लिए, द अनटचेबल्स के लिए 1988 में। ओके, उनकी कई सारी फिल्में थी और स्कॉटलैंड से थे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रांस में हुए एलेक्सिस वाश्टीन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय मुक्केबाजों ने या मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा अमित पंघाल और संजीत। ओके, ये आंसर होगा उसका। ये फ्रांस में हुआ है, नातेस में, फ्रांस की एक जगह है, तो वहाँ पर ये टूर्नामेंट हुआ और अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में और संजीत ने
91 किलोग्राम भार वर्ग में ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एमिलिया रोमागना ग्रांड प्रिक्स फार्मूला वन रेस 2020 किसने जीता? आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ओके, लुइस हैमिल्टन ने जीता है ये। 1 नवंबर को इटली में ये आयोजन हुआ था। ओके, और इस सीजन की उनकी 9वीं जीत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? लघु ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, आंसर होगा केरल। ओके, नॉर्मल ट्रेन की बात नहीं हो रही है, लघु ट्रेन। वैली टूरिस्ट विलेज में सौर ऊर्जा से चलने वाले देश की अपने तरह की एक पहली ये लघु ट्रेन है। 2 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है और बच्चों के लिए खास तौर पर ये आकर्षण का केंद्र है ये। ओके, केरल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया, तो किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और 2018 में ही हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब तमाम जो भी क्रिकेट के प्रारूप हैं उन सब से विदाई लेने का ऐलान कर दिया है। ओके, 39 ईयर के हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट उसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा राजीव जलोटा। ओके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति की बैठक हुई और उसी में उनको नियुक्त करने का फैसला किया गया है। वो 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायलिन वादक हैं TN कृष्णन, केरल के हैं, तो उनका निधन हुआ है 2 नवंबर 2020 को, तो उनको कौन सा बड़ा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर होगा ए और बी, यानी पद्मश्री और पद्म भूषण। ओके, 1973 में उनको पद्मश्री मिला था और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, केरल के थे वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे, आंसर होगा 29 अक्टूबर, और उद्देश्य क्या है? वही टेली कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के जो हिस्ट्री है और जो ज़रूरत है उसको एक तरह से याद करना, उसके बारे में प्रचारित करना। ओके, तो ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? प्लान हो चुका है, जस्ट खोला जाना है टायर पार्क पहला। आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ओके, और इसका संचालन कौन करेगा? पश्चिम बंगाल परिवहन निगम तो ये करेगा, और कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है। वहाँ टायर से बने हुए शिल्प कला से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, और गवर्नर जगदीप धनखड़। ओके, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, 2 नवंबर 2020 को किस देश की यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला हुआ जिसमें वहाँ के 20 से अधिक छात्रों की मौत हो गई? आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तो वहाँ पर बुक फेयर लगा हुआ था, तो उसी में 3 बंदूकधारी घुसे और वहाँ तो तबाही मचा दी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है, उसे पहले बता दूँ कि 2020 का करंट अफेयर्स है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब में, तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और आपको बता दूँ कि आज जो अभी आपने वीडियो देखा उसका पूरा PDF विद नोट्स अवेलेबल है। PDF तो कैसे डाउनलोड करेंगे, मेरे बगल में जो लिंक है क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।